बहुत ही वाहिया टेस्ट है यार, ये तो पूरा धोखा कर दिया यार। बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, धोखा है तू। तो फाइनली हमें हमारा ऑर्डर मिल गया है और हमने ऑर्डर किया था चिकन मैगी। ये चिकन के पीस डाल रखे हैं और नीचे है मैगी, ये देखो। ऐसे मेरे को लग रहा था कि सब कुछ मिक्स करके बनाते होंगे, बट मैगी अलग है और चिकन अलग है। देख के तो थोड़ा अलग ही लगा, मेरे को लगा कि थोड़ा मिक्स करेंगे, ग्रेवी होगा और ड्राई है। अभी टेस्ट करके बता देंगे टेस्ट कैसा है। और ये मुझे बिल्कुल प्रॉपर पैरी पैरी चिकन की तरह लग रहा है। ये इन्होंने गाइस न्यू लॉन्च किया है, थोड़ा मैसी हो रखा है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ी ये चीज भी एक नेगेटिव पॉइंट है इनका। बहुत हार्ड है यार, बिल्कुल वैसे टेस्ट है जैसे 12-14 रुपए वाली मैगी आती है ना, 10 रुपए वाली। और चिकन का पीस मैं खाता हूँ इसका, ये चिकन का पीस है इसका, ये चिकन है यार। ये तो पूरा धोखा कर दिया यार, धोखा है तू। ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, इन्होंने चिकन मैगी लॉन्च की, अब लोगों ने क्या सोचा कि बहुत अच्छा कुछ होगा, बट ऐसा कुछ खास नहीं है यार कि चिकन के पॉपकॉर्न अलग से डाल दिए हैं, मैगी बना दी है, दोनों को ऊपर से मिक्स कर दिया, मिक्स भी नहीं किया, फिर ऊपर से इसके बॉल्स डाल दिए हैं। और तो ये इतना बड़ा जो है बाउल दिया इन्होंने, इस बकेट का अगर आप प्राइस देखोगे जानोगे तो आप भी शॉक्ड होगे। 10 रुपए की मैगी है, आप खुद सोचना कि कितने रुपए की मैगी, 10 रुपए की एक मैगी है, प्लस इन्होंने जो चिकन पॉपकॉर्न डाल दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से खुद गैस करो और कमेंट करके बताओ कि कितना एक्चुअल में इनका प्राइस होना चाहिए। लेकिन इसका प्राइस है 160 रुपये, मतलब 160 रुपये में आपको मैगी मिल रही है और 5 या 6 पीस चिकन के मिल रहे हैं आपको, मतलब क्या है ये? मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा KFC, तो मुझे लग रहा है KFC धोखा कर रहा है हमसे। टेस्ट ऑर्डिनरी है, कुछ ऐसा खास नहीं है जैसा आप लोगों लगोगे कि हाँ भी कुछ अलग सा टेस्ट मिलेगा। मैगी वाला टेस्ट है और इन्होंने जो इनका मसाला है वो बिल्कुल वह पैरी पैरी चिकन वाला मसाला ही है, कुछ अलग सा नहीं है। सही बात। अगर आप ये सोचो कि नहीं हमें आएंगे कुछ अच्छा टेस्ट खाने को मिलेगा, कुछ बढ़िया मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ अलग खाने को मिलेगा, आप अलग खाना आप घर पे बना के खा सकते हो, यहाँ पे आने के बाद ना आपको कुछ ऐसा टेस्ट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आप इतनी दूर से आके यहाँ पे 160 रुपये वेस्ट करो। हमारे वैसे तो 160 रुपये वेस्ट हो चुके हैं, बट हम नहीं चाहते कि आपके वैसे वेस्ट हो, तो प्लीज़ यहाँ पे आके कम से कम चिकन मैगी मत खाना, मत खाना। और मुझे पता है कि कई लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे कि गाइज आप लोगों ने खाया है, आप लोगों को नहीं पता 160 रुपीज़ का टेस्ट बड़ा अच्छा लगा है, आप बाहर क्यों रिव्यू दे रहे हो, अंदर क्यों नहीं रिव्यू दे रहे हो। गाइज ऐसा है, स्पेस नहीं था इसलिए बाहर आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग स्पेस नहीं था हमारे पास। और लगता है आपको कि हमने गलत रिव्यू दिया है ना, आप आना खुद टेस्ट करना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए कि नहीं हुए। सो गाइज प्लीज़ KFC जो लवर्स हैं वो और चीज़ खाते रहो, पर ये जो ये टेस्ट मत करना। KFC फेमस किस चीज़ के लिए? अपने चिकन्स के लिए। तो चिकन तो इसके अच्छे हैं, बड़े जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, पहले पैरी पैरी चिकन निकाला था उसे मजा नहीं आया, मैगी निकाली है उसे मजा नहीं आया, नाचोस निकाले उसे मजा नहीं आया। भाई जो आपका बिक रहा है वही बेचो ना यार, एक्सपेरिमेंट कर रहे क्यों, कस्टमर खराब कर रहे हो अपने। और मैगी और चिकन कोई एक्सपेरिमेंट होता है क्या? खुद सोचो यार, ये कोई एक्सपेरिमेंट होता है? मैगी डाल दी है, बिल्कुल ड्राई मैगी है, ना कुछ है, ऊपर से चिकन पॉपकॉर्न डाल दिया, सही में पैसा बर्बाद है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। बट वीडियो अच्छी लगने का मतलब ये नहीं है कि आप भी ये टेस्ट करो, बिल्कुल टेस्ट मत करना, ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं जिसकी वजह से यहाँ पे आके अपने पैसे आके वेस्ट करो। बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना। तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो का रिव्यू जो है कैसा लगा। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज।